तुमने सुना है क्या नया फोन आ गया अंडर 15,000 में? कौन सा? वही रियलमी नार्जो 75G। हाँ हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, मैं आपको एक चीज बता दूं, आप लोग इतना बोल रहे थे कि गेम प्ले करो, गेम प्ले करो। अब मैंने फाइनली प्राइम बुक पे फ्री फायर खेल के देखा है और मैंने उसका पूरा वीडियो बनाया है। और आप लोग जल्दी से जाइए और उस वीडियो को देखिए, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको भी प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही अलग, क्योंकि ये फोन लॉन्च हुआ है 15,000 के अंदर विद लॉट्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस। तो जल्दी से मैं आपको बताती हूँ फोन का नाम। फोन का नाम है रियलमी नार्जो 75G। गाइस, इस वीडियो को आप एंड तक देखिए ताकि आपको इसके सारे स्पेसिफिकेशंस पता चल सके। सबसे पहले हम लोग वीडियो देख लेते हैं। गाइज, ये फोन हमारा लॉन्च हुआ है 24 अप्रैल को और इसकी सेल स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग इसको खरीद सकते हैं अगर आपको इसके स्पेसिफिकेशन समझ में आते हैं, और ये हमारे बजट में भी फोन है तो आप लोग इसको प्रेफर कर सकते हैं। तो गाइज, हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि ये लोग हमें बॉक्स में क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें हमारा सबसे पहले तो हमारा फोन रहेगा, फिर हमारा अडैप्टर है, हमारा यूएसबी केबल है जो कि टाइप सी है, फोन केस दे रखा है इन्होंने, स्क्रीन प्रोटेक्टर दे रखा है इन्होंने, और इन्होंने दी है हमें क्विक गाइड। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके डिस्प्ले की। 6.67 इंचेस का 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले दे रखा है इन्होंने। इस फोन का वेट 188 ग्राम है, जो कि मैं ये कह सकती हूँ कि काफी लाइट वेट इन्होंने ये फोन बनाया है। इन्होंने इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी दे रखे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसके वेरिएंट, इसमें कौन कौन से वेरिएंट आ रहे हैं। गाइज, इन्होंने दो वेरिएंट लॉन्च किए, एक 6GB के साथ में और एक 8GB के साथ में। दोनों का प्राइस जो है वो मैं बिल्कुल एंड में बताऊंगी। गाइज, मैं बात करूं अगर इनके कैमरे की, तो इन्होंने दे रखा हुआ है प्राइमरी कैमरा कलर AI का 50 MP का और 2 MP का पोर्ट्रेट कैमरा दे रखा हुआ है। फ्रंट कैमरे की अगर मैं बात करूं तो वो इन्होंने दे रखा हुआ है 16 MP का। और गाइज, रियर कैमरे की एक और बहुत अच्छी खासियत है, जो इन्होंने कुछ मोड्स प्रोवाइड कर रखे हैं स्पेसिफिकली, उनके नाम मैं आपको बता, नाइट मोड, स्ट्रीट मोड, फोटोग्राफ मोड, पोर्ट्रेट मोड। OS इनका एंड्रॉइड 14 पे है। गाइज, IP रेटिंग इनकी 54 है और ये डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ है। प्लस गाइज, इन्होंने एक चीज और बोली है कि ये सपोर्ट करता है वेट हैंड से इनपुट। मतलब अगर हमें स्क्रीन चलानी है और बाई चांस हम हाथ धुल लें और जल्दी जल्दी भी कॉल आ जाता है हमें रिसीव करना है, तो हम उसे गीले हाथों से भी टच कर सकते हैं और वो वर्क करेगा। तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी, काफी अच्छा फीचर मुझे ये लगा। गाइज, इन्होंने इसमें दो कलर लॉन्च किए हैं, दैट इज आइस ब्लू एंड फॉरेस्ट ग्रीन। दोनों ही बहुत प्यारे कलर है, तो अगर आपको इन दोनों में से कोई भी पसंद आता है आप आराम से खरीद सकते हैं। बात कर ले हम अपने प्रोसेसर की, तो इन्होंने इस्तेमाल किया है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050। गाइस, जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो 5000 mAh की बैटरी मिल रही है हमें विद क्विक चार्जिंग ऑफ 45 वॉट। और इनका ये भी कहना है कि 50% चार्जिंग हमारी 27 मिनट्स में हो जाएगी। USB इन्होंने टाइप सी प्रोवाइड करा रखी है। गाइस, अगर हम ब्राइटनेस की बात करें तो इन्होंने 1200 nits की ब्राइटनेस दे रखी है मैक्स। गाइज, इन्होंने VC कूलिंग चैम्बर प्रोवाइड करा रखा है, दैट कवर्स द मेन हीट सोर्स ऑफ मदरबोर्ड। मतलब कि जो हमारा मेन हीट का सोर्स है, जहां से हीट सबसे ज्यादा होती है, उसको कवर अप करने के लिए इन्होंने कूलिंग चैम्बर दे रखा है, तो उससे हमारा फोन हीट नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, अगर हम फोन चला रहे हैं तो काफी स्टेबल चलेगा और आराम से उस पर काम कर सकते हैं काफी देर तक। तो गाइज, मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस फोन से रिलेटेड दे दी है और मुझे लगता है कि एक बजट में काफी अच्छा फोन है। मतलब 15,000
के अंडर ये फोन आ रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा है और इनके सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं। एट लास्ट मैं आपको इसके दोनों वेरिएंट का प्राइस बता दूं, तो 6GB वेरिएंट का जो प्राइस इन्होंने दे रखा है वो 15,999 है, लेकिन वो हमें ऑफर दे रहे हैं 1,000 का ऑफ, तो वो हमें पड़ेगा 14,999। दूसरा जो हमारा 8GB का वेरियंट है वो हमारा पड़ रहा है 16,999 का, ऑफर के बाद वो हमें पड़ेगा 15,999। गाइज मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज कमेंट बिलो करें, आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।